नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाल मिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि क्या आपके हाथ में हमारी इस फिंगर के साथ, कई बार हम हाथ के फिंगर को देखते तो हमारे हाथों में गैप होता है, जिसको हम छिद्र बोलते हैं, और ये कहीं ना कहीं आपके धन संग्रह को इकट्ठा करने में सहायक नहीं होता है, और ऐसे लोगों के पास धन इकट्ठा नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है, और इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब से नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक अवश्य कर लें। तो आइए अपने हाथ की तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहले हमारी ये जीवन रेखा। कहते हैं जीवन की घटना जीवन में होने वाले एक एक एक्टिविटी को बताती है, और इसी प्रकार से हमारी मस्तिष्क रेखा, हमारा मन कितना गहराइयों तक जाता है, हम कितने दुख और सुख की स्थिति में है, वो हमारे मस्तिष्क रेखा बताती है। और इसी प्रकार से हमारी हृदय रेखा, हृदय रेखा हमारे प्रेम संबंध, हमारे दिल के बारे में बताती है। आज हमने बात की है हाथों में छिद्र। देखें तो तकरीबन ऐसे बड़े लोग, बहुत लोगों के हाथों में ऐसा होता है। अगर हाथ में देखें तो हाथ छिद्र, जो हम कहते हैं गैप जिसको बोलते हैं, ये तीन जगह पर होता है। पहला गैप ये गैप माना जाता है, और दूसरा ये गैप माना जाता है, और तीसरा ये गैप माना जाता है। अगर ये गैप है तो आप देखिए, कहीं ना कहीं पैसों का जो संग्रह है ना, वो आपको करने में दिक्कतें आएगी, और ये जो गैप है ये आपको बचपना बताता है। और ये दूसरा अगर देखें गैप, तो ये आपका जिसको हम बोलते हैं मिडिल एज में बताता है। और ये तीसरा गैप जो देखें तो आपको ये मिडिल एज के बाद का गैप बताता है। अब इनमें से आपस में तीनों कॉम्बिनेशन करें तो आपके हाथ में कौन सा गैप है, उस स्थिति को देखकर बड़ी आसानी से आप उसका आइडिया लगा सकते हैं। देखें तो गैप जो होता है, ये आप जो गरीब तबके के लोग होते हैं उनके हाथों में देखें तो ये आकार जो होता है हाथ का, जैसे हम मुट्ठी बंद करते हैं तो ये हाथ के जो पहला होगा गैप जिसको हम बोलते हैं, ये हमारी कनिष्ठा और सूर्य के बीच में गैप होगा, कनिष्ठा और सूर्य के बीच का ये गैप होगा। और जो दूसरा गैप होगा हमारा ये सन की फिंगर और हमारी ये शनि की फिंगर जिसको हम मध्यमा की फिंगर कहते हैं, इसमें गैप होगा। और जो तीसरा गैप होगा ये गुरु की फिंगर और मध्यमा की फिंगर जिसको हम शनि की फिंगर कहते हैं। तकरीबन इन गैप का होना जीवन में, हम कठिन परिस्थितियों में गुजरते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उस पैसे को सेविंग को लेके या पैसे को लेके हम इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। आपने लोगों से सुना होगा कि इनके हाथों में तो गैप है, पैसे टिकते नहीं होंगे, लेकिन उसका उपाय है, उसका समाधान है। अगर आप इस उपाय या समाधान को करते हैं तो आप निश्चित रूप से इससे निजात पा सकते हैं। जैसे कि हमारी ये गुरु की फिंगर है, गुरु की फिंगर को हम बड़ा ज्ञान की फिंगर बोलते हैं। ऐसे लोग आध्यात्मिक होते हैं, पूजा पाठ करके भी कर सकते हैं ज्ञान के माध्यम से, लेकिन कई बार हम उन ग्रहों के उपाय करके उनके रत्नों को डालकर या उनके छल्लों को डालकर हम उस स्थिति से बाहर आ सकते हैं। जैसे कि हम एक गुरु की फिंगर, जब गुरु की फिंगर की बात करते हैं, अगर ये
गुरु जो माना जाता है ज्ञान का, सोने की अगर आप यहां पे छल्ला डाल सकते हैं या पीतल का छल्ला डाल सकते हैं, तो आप इन गुरु के उपाय करके जीवन में कुछ इन जो हमारे पैसों का अभाव रहता है जीवन में, उसको हम ठीक कर सकते हैं। और जैसे कि ये दूसरा जो हमारी फिंगर है जिसको हम बोलते हैं शनि की फिंगर, एक आम बात है लोग शनि की छल्ला डालते हैं, आपने देखा होगा, तो शनि के छल्ले को कई लोग बहुत शुभ मानते हैं और ये कार्यशैली को बढ़ाने का भी काफी लोग देखे हैं कि सफलता मिलती है। अगर आप इस शनि के फिंगर में हाथ के गैप को खत्म करने के लिए, उसके गैप को जो कि हमारे पास सेविंग नहीं होती पैसे का, तो आप देखेंगे जीवन में जो हमारा करियर से जुड़ा काम होता है वो शनि के ऊपर ही निर्भर होता है। देखें तो आज हम जीवन में रोजमर्रा का जो काम कर रहे हैं, पैसों का आवागमन होता है, तो वो शनि की रेखाओं को भी हम देखते हैं। तो ऐसे में क्या करते हैं, अगर अपने इस मिडल वाले फिंगर में, शनि के फिंगर में जिसको हम बोलते हैं मध्यमा के फिंगर में, अगर आप लोहे का छल्ला या नाव की कील का छल्ला या काले घोड़े के नाल का छल्ला डालते हैं तो काफी शुभ माना जाता है और शायद उस परिस्थिति से आप बाहर निकल सकते हैं। और जो ये तीसरी हमारी फिंगर है इसको हम सूर्य की फिंगर बोलते हैं। सूर्य की फिंगर सबको जीवन में रोशनी तो सबको जरूरत पड़ती है, लेकिन उस रोशनी के साथ साथ कहते हैं इन ग्रहों का भी मेडिटेशन करते हैं लोग, लेकिन कई लोग उस स्थिति तक नहीं पहुंचते, तो अपने छोटे मोटे उपाय करके अपने जीवन चर्या को बदल सकते हैं। जैसे कि इस वाले फिंगर में हम एक तो सोने का छल्ला आप डाल सकते हो, दूसरा तांबे का छल्ला आप डाल सकते हो। अगर आप इस उंगली में डालते हैं तो जो गैप होता है ना, उसका जो गैप की स्थिति समाप्त हो जाती है, तो आप जीवन में उस चीजों से दूर जा सकते हैं। तो मतलब अपने आप को थोड़ा सा पैसे को लेके जो आपके जीवन में उठा पटक चल रही है उससे निजात पा लेंगे। और इसी प्रकार से ये जो हमारी छोटी वाली फिंगर है जिसको हम अनामिका बोलते हैं, माफ करना, इसको हम कनिष्ठा उंगली बोलते हैं, जिसको कि हम व्यापार की रेखा कहते हैं और ये बुध की रेखा फिंगर कहते हैं। तो जैसे जीवन में देखें तो बुध के बिना तो कोई काम होता नहीं है, क्योंकि अगर किसी को दिमाग है, ज्ञान है, तभी वो बातें आगे की करता है। चालाकी आजकल के जमाने में होनी चाहिए, हम कोई भी काम करते हैं बिना बुद्धि के सफल नहीं होता है। तो उसको मजबूत करने के लिए, धन की संग्रह के लिए हमारे जीवन में इस चीज की स्थिति ना आए, तो उसके लिए बुध के फिंगर में जिसको हम कनिष्ठा की फिंगर कहते हैं, अगर यहाँ इस फिंगर में आप एक चांदी का छल्ला डालते हैं तो आपको इस परिस्थिति से दूर जा सकते हैं। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। और आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।